कश्मीर के पुलवामा इलाके के त्राल में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट्स के बीच जहां सुबह सवेरे ही झड़प की खबर सामने आई, वहीं आपको बताते चले कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया। उसके बाद ही वहां पे ये खबर सामने आई कि वहां पे 5 से 6 मिलिटेंट्स मौजूद हो सकते हैं। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने जहाँ पूरे इलाके में फायरिंग स्टार्ट की, उसके बाद ही वहाँ पे 6 मिलिटेंट्स की हलाकत की भी खबर सामने आई। तमाम ये भी खबर आ रही है कि वो 6 के 6 मिलिटेंट जो है वो गजब हिंद जाकिर मूसा की जो मिलिटेंट आउटपुट है उससे ताल्लुक रखते हैं। वहीं आपको ये भी बताते चले कि सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि आए दिन जिस तरह से पिछली बार ही रियाज नायकू ने एक ऑडियो में साफ वाजा कर लिया, उसने क्लियरली ये वार्निंग दी कि JKIS इस्लामिक जम्मू जो कश्मीर मिलिटेंट्स आउटपुट है, साथ में गजबा हिंद जो कि अलकायदा की पॉलिसी अपना रहे हैं कश्मीर में, उनको साफ तौर पर वाजा किया था कि वो यहाँ पे जो हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों मारने में मदद कर रही है। तमाम इसका जो फायदा है वो सिक्योरिटी फोर्सेज को भरपूर मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से दोनों मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच आपस में डिस्प्यूट चल रहा है उसका फायदा जो है तीसरा आराम से उठा रहा है, और जिसका फायदा हमें आए दिन देखने को मिलता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज आए दिन अपना ऑल आउट ऑपरेशन जो है वो बरकरार रखे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस साल मिलिटेंट्स का खात्मा किया है, उसके बाद ही आए दिन सिविलियंस की हलाकत भी इस साल बहुत ज़्यादा हुई है। आपको ये भी यहाँ पे साफ तौर पे वाजिया कर दें कि 2008 के बाद ऐसा पहली बार देखने को मिला कि यहाँ पे 400 से ज़ायद अफराद की हलाकत हुई है, जिसमें मिलिटेंट सिक्योरिटी फोर्सेज और जो सिविलियंस है मिला के हैं। वहीं अब बड़ा सवाल ये होगा कि जिस तरह से आए दिन यहाँ पे हलाकतें होती है, अब 2019 किस तरह से यहाँ के लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि जिस तरह की हालात 2018 में देखने को मिली उसके बाद अब लोगों का जो डर है वो आए दिन बढ़ता है। क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन जम्मू कश्मीर में 2018 में थी, अब लोगों को ये उम्मीद होगी कि 2019 में यहाँ पे थोड़ा सा अमन बरकरार हो, क्योंकि जिस तरह से इलेक्शंस भी आ रहे हैं सरकार के लिए बड़ा चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन बुरहा भट्ट के साथ वाहिद भट्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, श्रीनगर।